आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता कर और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां पार्टी के असंतुष्ट नेता अब दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। बीजेपी के कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी रहे रहीश आलवी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कमल का फूल छोड़कर कलियर विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं रहीश आलवी ने कहा कि पहले भी कांग्रेस से उन्होंने घर वापसी की थी, जहां बीजेपी में उनकी अपेक्षा की जा रही थी। क्षेत्र के विकास के लिए बड़े लीडरों से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कलियर जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की अनदेखी की है। बेरोजगारी को लेकर कोई विजन बीजेपी के पास नहीं है। प्रदेश का युवा बेरोजगार है और सैकड़ों युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने बताया कि आज रहीश आलवी और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े और सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हम गए थे बड़ी उम्मीद के साथ कि हमारे क्षेत्र का, लोगों का विकास होगा हमारे माध्यम से। तो जिन बातों को लेके हम सोच के वहाँ गए थे, वो हम शीर्ष नेताओं का कोई साथ नहीं मिला और कोई ऐसा सहयोग भी नहीं मिला काम के लिए। हमारा क्षेत्र है 99% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो हम जिस सोच के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो कलियर में हम कुछ करवा नहीं पाए उनसे। और हमने फिर यही सोचा कि भाई अपने घर वापसी करो। रईस भाई जो बीजेपी में थे, जब यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हुआ उसके प्रत्याशी भी रहे बीजेपी के, आज उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी। साथी सहित सभी सैकड़ों जो इनके साथी थे उनके साथ, उन सबको साथ लेकर आज कांग्रेस ज्वाइन की। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो ये हमारे परिवार में सम्मिलित हुए, जो हमारे पुराने साथी, सब इनको कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें साथ लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह इनके आने से हमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफ़ी फायदा होगा। किन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस इस बार मैदान में है? नहीं, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए थे, जब 2017 में चुनाव हो रहे थे, बीजेपी ने वादे किए थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम विकास कराएंगे, हम क्या नाम है जो यहाँ बेरोजगारी दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज हर जगह हर मुद्दे पर बीजेपी फेल। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर चुनाव के दौरान टिकट का घमासान और बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल नरेंद्रनगर सीट से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा टिकट दे या ना दे, वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से जनसंवाद के बाद कर दी है। बता दें कि नरेंद्रनगर विधानसभा सीट के अंतर्गत गजा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से जनसंवाद किया। स्पष्ट जो है वो बता दे, आज जनता ने जो है, जनता क्या जो हमारे तमाम जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे तमाम साथी हैं, उन सब का आज मैं जोश खरोश देखकर, उनकी जो ताकत हमेशा मेरे को मिलती रही है, आज उनके जो उन्होंने मेरे को हौसला अफजाई करी है और बिल्कुल मेरे को आश्वस्त करा है कि कोई सा भी निर्णय हो हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, ये आज आपके सामने जो है सबने जो है यहाँ पर जो है बता दिया है। अब हमें कोई भी ताकत अब नई टिहरी में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां पुरानी नगर पालिका सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों का सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने ग्राम प्रधानों से गांव के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा से लेकर वित्तीय समस्याएं और गाँव में पर्यटन विकास को लेकर सीएम के सामने अपने सुझाव रखे। सीएम ने कहा कि आपके सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए बेहतर प्लानिंग में ये सभी सुझाव मददगार साबित होंगे। आरंभ किया है, शुरू किया है और सभी
सर घोषणाओं के बारे में जो है किसान सम्मान समारोह यात्रा निकाली है, किस तरह से लेते हैं इसे? चाहे देश का जवान हो या किसान हो या नौजवान हो, अभी भी कांग्रेस ने किसी की चिंता निकली कभी होती है। इस देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कभी किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, सोल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी हो, उस पर लगातार काम हो रहा है। और बाकी हरिद्वार में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज जनसंवाद गोष्ठी को लेकर यह भ्रमण किया जा रहा है। अशोक कुमार का पुलिस लाइन पहुंचने पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। देखिए आज का मेरा मेन शेड्यूल जो है मेन शेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ। लालकुआ क्षेत्र की 150 साल पुरानी मुराद आज पूरी हो गई। लालकुआ तहसील में प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित करते हुए नगर पंचायत के पास लीज निरस्त भूमि पर रह रहे 10 साल के लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देते हुए पट्टे वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका पहुंचे, जहाँ नवीन चंद दुमका ने अपने हाथों से 10 लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाते हुए पट्टों का प्रमाण पत्र सौंपा। लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लोग थे, लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लोग थे उनके मालिकाना हक का एक प्रयास था। ये मामला थोड़ा उलझा हुआ था और लालकुआ के अलावा उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई भी अन्य जगह कोई इसका उदाहरण नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार हस्तक्षेप से और तत्कालीन राजस्व सचिव श्रीमान सुशील जी के प्रयास से एक विशेष जियो हुआ। उस जियो के बाद भी इसमें कुछ दिक्कतें थी, बंदोबस्त नहीं हुआ था और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि जो बंदोबस्त का पटवारी था वो बेचारा उसने अपने को आत्मसात कर लिया, सुसाइड कर लिया, जिससे और व्यवधान पैदा हुआ। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी रुड़की में विजय संकल्प यात्रा बीटी से शुरू हुई, जहां यात्रा शुरू होकर मेन बाजार नगर निगम सिविल लाइन्स होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि भाजपा की विजय संकल्प यात्रा बीटीगंज पहुंची, जहां विजय संकल्प यात्रा के पहुंचने पर रुड़की की जनता ने जगह जगह फूलों से भव्य स्वागत किया। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा के साथ भव्य रूप से भारी भीड़ दिखाई दे रही है कि संगठन कार्यकर्ताओं और जनता में पार्टी के लिए पूरा उत्साह है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 60 से ऊपर सीटें दिलाने के लिए तत्पर हैं। हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पर भाई संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय का संकल्प आज हम ले रहे हैं, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेतृत्व यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पूरे बाजार में निकालेंगे। बीटीगंज से मेन बाजार से सिविल लाइन बाजार होते हुए राजा का समापन होगा। लोगों में जोश है और लोग मन बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि भाजपा की विजय निश्चित है। जोश भरपूर है, युवा हमारा नेतृत्व है और लोग चाहते हैं कि धामी के नेतृत्व में सरकार बने और युवाओं को रोजगार मिले, युवा आगे बढ़े और युवा जो है हमारे प्रदेश की ताकत है। 60 पार का निश्चित रूप से नारा पूरा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस यात्रा का शुभारंभ किया हरिद्वार से और आज हम 5 विधानसभा में यात्रा गई और जो अभूतपूर्व स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि आज हम 3 घंटे लेट आए रुड़की में, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश यहां है, मैं कह सकता हूं कि 2022 में फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर बहुत मेहनत आपकी तरफ से हो रही है, आप 20 सालों में आपकी सरकार रही, जनता ने आपको समय दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग बीजेपी के साथ हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बीजेपी की बनी। प्रदेश के मंत्री पर्यटन सिंचाई लघु सिंचाई बाढ़ नियंत्रण सतपाल महाराज ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत जलपाड़ी खेल मैदान पहुंचे, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित जलपाड़ी में माँ दीवा रसवाल ट्रैकिंग कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। ट्रैकिंग दल को दीवा रसवाल ने के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनका प्रयास यहां पर रोपवे बनाने का था, लेकिन कोरोना काल के चलते कोई टेंडर न होने के कारण मार्ग सही से निर्णय नहीं लिया गया।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ट्रैकिंग करवाना जरूरी है और स्लीपिंग बैग, एल्पाइन बैग, खाना बनाने के लिए सामान सामग्री भी रखवाई जाएगी। विश्व प्रसिद्ध और उत्तराखंड के आराध्य देवी मां नंदा देवी की उत्सव डोली यात्रा 23 दिसंबर को सिद्धपीठ देवराडा में नंदधाम गुरु के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि मां नंदा देवी के यहां आराध्य देवी ही नहीं है बल्कि यहां सभी कोई लाडली बेटी भी हैं। यहां सभी की भावनाएं नंदा देवी के साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं और हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि मां नंदा देवी राजजात प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है जिसे हिमालय कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस राजजात में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जुटते हैं। यह राजजात पूर्व में जहां के राजाओं की ओर से आयोजित किया जाता था, अब शासन प्रशासन की देखरेख और सुरक्षा में टिहरी के राजमहल से शुरू होकर रूपकुंड कैलाश में जाकर संपन्न होती है। इस संबंध में मंत्री समिति देवराडा सिद्धपीठ के अध्ययन भुवन हटवाल ने बताया कि देवराडा सिद्धपीठ मंदिर में पंडित नरेश प्रसाद गौड़ एवं आचार्य पारेश्वर प्रसाद देवराडी ने पंचांग की गणना के अनुसार मुहूर्त की घोषणा की है। मानंदा लोकजात 2021 के बाद मानंदा देवी की उत्सव डोली 23 दिसंबर को अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराडा से अपने मायके के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें भिन्न भिन्न पड़ाव होते हुए मानंदा अपने भक्तों को दर्शन देते हुए 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नंदा धाम कुरुड़ में विराजमान होगी, जहाँ पे माँ नंदा देवी अपने भक्तों को दर्शन देगी और माँ नंदा का आशीर्वाद सदा भक्तों पे बना रहे। जय माँ नंदा। भादो माह में सिद्धपीठ से नंदा देवी लोकजात यात्रा जो विभिन्न पड़ाव से होते हुए नंदा सप्तमी की जात बैठने में संपूर्ण होकर अपने मामा को सिद्धपीठ में 6 माह के लिए माँ नंदा प्रवास करती है और अब जो है कि पोष माह में 8 गते 23 तारीख को पंडित नरेश प्रसाद गौड़ जी, आचार्य पंडित पारस प्रसाद देवराड़ी जी के द्वारा डोली विदाई क्रूर के लिए जो है कि सोमवार दिन निकाला गया है, जिसमें विभिन्न पड़ाव से होते हैं माँ नंदा की डोली उतर। विधानसभा ज्वालापुर से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र प्रधान ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इसकी शुरुआत कुतुबपुर से हुई जहां गांव दर गांव स्वागत कार्यक्रम रहा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों के साथ गांव गांव में जनसंपर्क किया गया और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कार्य को जनता के सामने रखा गया। नहीं, प्रत्याशी तो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में जो अभी टाइम है उसमें प्रत्याशी जिसे भी घोषित करेगा संगठन वो अलग चीज़ है। लगातार मेरा संपर्क अभियान चल रहा है, तो आज जो है एक तूफानी दौरा कह सकते हैं, लगभग 30 गांव का ही दौरा है आज, तो उसके निमित्त हम लोग निकले हैं आज। कितने गांव का दौरा किया जाएगा? ये लगभग 30 गांव का है। अभी आगे कौन कौन से गांव जाएंगे? अभी हम जाएंगे यहां से कोटा जाएंगे। मूलदासपुर में लोगों ने वरिष्ठ समाजसेवी मुनीश सैनी के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में पानी की निकासी की समस्याओं को लेकर बात की। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि गांव का पानी निकासी की समस्या 3 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा। बड़े भाई है मेरे सुधीर जी, उनसे जो मैंने निवेदन किया था कि हम लोग शाम को घर आ जाते हैं, चाय पीने के लिए आ जाते हैं, तो मुझे तो देखा यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग बैठे हुए थे, उसी उपलक्ष्य में मेरा यहाँ आना हुआ। एक यहाँ समस्या भी थी कि बहुत टाइम से जो माजरा का एक छोटा सा रोड है 100 मीटर के लगभग, उसी की वजह से यहाँ पानी का भराव बहुत टाइम से चल रहा है, तो उसके लिए मेरे द्वारा निवेदन किया गया माननीय उप जिलाधिकारी जी से, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि 2 से 4 दिन के अंदर इस पानी की निकासी को करा देंगे और उसके बाद जो, क्योंकि मैं चाहता हूं किसी तरह का कोई विवाद ना हो हमारे परिजीवी परिवार में। पौड़ी गढ़वाल में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर के पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से पंजीकृत मतदाताओं एवं नए वोटर की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि घर घर जाकर नए मतदाताओं का फॉर्म 6 भरवा कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करना सुनिश्चित करे। वही राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिंगवाड़ी की बीएलओ वीरा देवी ने क्षेत्र बड़ा होने की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया।
नरेंद्रनगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने जनसंवाद सभा और रैली का आयोजन किया, जहां दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पहुंचे। वहीं इस जनसंवाद रैली में क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि 2002 में नरेंद्रनगर विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा गया था, जहां 2007 में विधायक बने और खंडूरी सरकार का हिस्सा रहे। ओम प्रकाश ने साफ शब्दों में कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जैसे जैसे 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मैं इस वक्त गजा में हूं और गजा समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहां ठंड है, लेकिन जनसंवाद कार्यक्रम जो यहां पर आयोजित किया गया उससे यहां पर गर्मी का माहौल दिखाई दिया है, क्योंकि 2022 के चुनाव के लिए ये जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों का ये कहना है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को जो सबके साथ संवाद स्थापित करे, व्यवहारिक हो, क्षेत्र का विकास कर सके, इसके लिए लोगों को पूछा गया तो ओम गोपाल रावत ने जब पूछा तो लोगों ने दोनों हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया है। निश्चित तौर पर खबर विकास नगर से है, जहां भारतीय अग्रवाल महासभा का अधिवेशन राजस्थान के खाटू श्याम में चल रहा है, जिसमें देश के 27 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व अग्रवाल महासभा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत गर्ग ने किया। इस अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य के विकास नगर निवासी नवनीत गर्ग को अग्र रत्न देकर सम्मानित किया गया। सितारगंज तहसील को नई मंडी स्थित आवासों में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां नए भवनों की मांग को लेकर कई बार पत्र लिखे गए। क्षेत्र विधायक गौरव बहुगुड़ा के तहसील कर्मचारी ने बात की, जिसको लेकर विधायक ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत कराया। वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 करोड़ रुपए नए भवन के लिए स्वीकृत। विधायक ने सीएम का आभार व्यक्त किया। वहीं क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने आज तहसील का शुभारंभ किया। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।